हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एरेज की इन डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है कि एरेज को कैसे स्टोर करते हैं, क्या क्या ऑपरेशन होते हैं एरेज पे, ये सारी चीज़ें। तो देखिए, उसके पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो डाटा स्ट्रक्चर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो कैटेगरीज में। ठीक है, अगर हम डाटा स्ट्रक्चर की बात करें तो डाटा स्ट्रक्चर कैन बी क्लासिफाइड इंटू टू कैटेगरीज। एक तो होता है आपका लीनियर और दूसरा होता है नॉन लीनियर। ठीक है, अब इसमें लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि इफ़ इट्स एलिमेंट्स फॉर्म ए सीक्वेंस और ए लीनियर लिस्ट। तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर वो होता है जो इसके एलिमेंट्स जो है वो एलिमेंट्स फॉर्म्स ए सीक्वेंस, एक सीक्वेंस बनाते हैं या कह सकते हैं एक लीनियर लिस्ट बनाते हैं। तो ऐसे डाटा स्ट्रक्चर को हम लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। और नॉन लीनियर में क्या होता है कि अच्छा, इसमें पहले एक चीज़ और आगे समझनी चाहिए कि देयर आर टू बेसिक वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग सच लीनियर स्ट्रक्चर इन मेमोरी। तो इन लीनियर स्ट्रक्चर को अगर आपको मेमोरी में रिप्रेजेंट करना है तो उसके दो तरीके होते हैं, दो बेसिक तरीके हैं। वन वे इज़ टू हैव द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाई मीन्स ऑफ सिक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन। एक तो तरीका यह है कि जो एलिमेंट्स हैं वो उनकी एक लीनियर रिलेशनशिप होती है मेमोरी लोकेशन से। दीज लीनियर स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एरेज। मतलब कि इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं आपके, उनकी एक लीनियर रिलेशनशिप होती है उस सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन से। ठीक है, सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन से, मेमोरी लोकेशन से। तो इस तरह के जो डाटा स्ट्रक्चर होता है वो कहलाता है लीनियर स्ट्रक्चर, इज कॉल्ड एरेज। ठीक है, तो आज जो हम लोग एरे की ही बात करेंगे। और जो दूसरा तरीका होता है लीनियर रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करने का, द अदर वे इज टू हैव द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ पॉइंटर्स और लिंक्स। तो एक तो तरीका होता है कि लीनियर रिलेशनशिप होता है मेमोरी लोकेशन से, और दूसरा तरीका होता है कि एलिमेंट का रिलेशनशिप होता है उसके पॉइंटर से या लिंक से। ठीक है, तो पहले हम लोग एरेज की बात करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग पॉइंटर या लिंक्स पे आएंगे। ठीक है, तो ये जो लिंक से जो लीनियर स्ट्रक्चर बनता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लिंक लिस्ट। दे आर कॉल्ड लिंक लिस्ट। ठीक है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गया आपका लीनियर स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर की जब हम बात करते हैं तो नॉन लीनियर स्ट्रक्चर क्या होते हैं, जैसे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ट्रीज होते हैं, ट्री स्ट्रक्चर हो गया या ग्राफ स्ट्रक्चर हो गया, ये सब आपके नॉन लीनियर स्ट्रक्चर कहलाते हैं। ठीक, अब आज अभी हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे लीनियर स्ट्रक्चर की। तो देखिए, लीनियर स्ट्रक्चर पे मतलब कि एरे पे जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो चाहे आपका ये लीनियर स्ट्रक्चर पे हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो लीनियर स्ट्रक्चर एरेज हो या लिंक लिस्ट हो। ठीक है, इससे मतलब नहीं है, इन दोनों पे ही जो ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं वो ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं। जैसे पहला हो गया आपका ट्रैवर्सल, ट्रैवर्सल। ठीक, सेकंड होता है सर्च, थर्ड ऑपरेशन होता है इंसर्शन, फोर्थ ऑपरेशन होता है डिलीशन, फिफ्थ हो गया आपका सॉर्टिंग, और सिक्स्थ हो गया मर्जिंग। ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं एरे या लिंक लिस्ट के ऊपर। अब ट्रैवर्सल में क्या होता है कि ट्रैवर्सल का मतलब क्या होता है कि प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट। मान लीजिए आपका कई एलिमेंट की लिस्ट है तो उसमें हर एक एलिमेंट को जो हम प्रोसेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रैवर्सल। सर्च में क्या होता है कि फाइंड द लोकेशन ऑफ द एलिमेंट with a given value or the record with a given key. That is called search operation. Insertion में क्या होता है? Adding a new element to the list, that is called insertion. Removing an existing element from the list, that is called deletion. Sorting में क्या होता है? Arranging the elements in some type of order. मतलब किसी लिस्ट के एलिमेंट्स को किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करने को सॉर्टिंग बोलते हैं. जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, किसी भी जो भी क्राइटेरिया दिया हुआ है उस ऑर्डर में जब उसको सॉर्टिंग, जब उसको हम अरेंज कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉर्टिंग. और मर्जिंग में क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा लिस्ट को हम कंबाइन करके एक सिंगल लिस्ट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड मर्जिंग. तो ये सारे ऑपरेशन लीनियर स्ट्रक्चर पे होते हैं, चाहे वो एरे हो और चाहे लिंक लिस्ट हो. अब इसमें क्या होता है कि द पर्टिकुलर लीनियर स्ट्रक्चर दैट वन चूजेस फॉर ए गिवन सिचुएशन, मतलब हम कहाँ पे एरे लेंगे या कहाँ पे लिंक लिस्ट लेंगे, वो डिपेंड करता है ऑन द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी विद विच वन परफॉर्म दीज डिफरेंट ऑपरेशन ऑन द स्ट्रक्चर. तो वो हमें, हमारे लिए एरे ज़्यादा सुटेबल होगा या लिंक लिस्ट ज़्यादा सुटेबल होगा, वो डिपेंड करेगा कि इन ऑपरेशंस को हम कितना फ्रीक्वेंटली या इन ऑपरेशंस के परफॉर्म करने की फ्रीक्वेंसी क्या है लीनियर स्ट्रक्चर पे, उसी हिसाब से हम एरे या लिंक लिस्ट को चूज करते हैं. ठीक. अब इसमें एरे में क्या होता है कि सिंस एरे आर यूजुअली इजी टू ट्रैवर्स, सर्च एंड सॉर्ट, they are frequently used to store relatively permanent collection of data. तो array में क्या होता है कि array में traversal, searching और sorting, ये तीनों काफ़ी easily हो जाती है. ठीक है, इसीलिए array को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें relatively permanent collection of डाटा को relatively ज़्यादा टाइम तक स्टोर रखना है या परमानेंट स्टोर रखना है. और on the other hand, if the size of the structure and the data in the structure are constantly changing, अगर मान लीजिए जो साइज़ है स्ट्रक्चर का कि भाई 100 एलिमेंट हैं, फिर 50 हैं, फिर 80 हैं, फिर 20 हैं, मतलब अगर साइज़ ज़्यादा वेरिएबल है और जो उसके अंदर वैल्यूज़ हैं वो भी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं, ठीक है, तो फिर ऐसे स्ट्रक्चर में फिर हम लिंक लिस्ट को प्रेफर करते हैं. तो यानी कि जहाँ पर ट्रैवर्सल, सर्चिंग और सॉर्टिंग ज़्यादा करना होता है, वहाँ पे हम एरे में डाटा स्टोर करते हैं. और जहाँ पे हमारे पास अगर साइज़ फिक्स नहीं है, मतलब साइज़ बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है, वेरी ऑफन, वेरी फ्रिक्वेंटली, और उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो भी बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, तो इस केस में अगर ये कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं तो फिर हम लिंक लिस्ट का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन एंड द रिक्वायरमेंट कि हम एरे यूज़ करें या लिंक लिस्ट यूज़ करें, जो भी लीनियर स्ट्रक्चर हम यूज़ करना चाहें. ठीक. अब इसके बाद बात आती है सेकेंडली, अब हम बात करें लीनियर एरे की कि लीनियर एरे क्या होता है. तो फर्स्ट वी राइट लीनियर एरेज. देखिए लीनियर एरे क्या होता है. लीनियर एरे इज ए लिस्ट ऑफ ए फाइनाइट नंबर एन ऑफ होमोजीनियस डाटा एलिमेंट. होमोजीनियस डाटा एलिमेंट का मतलब ये होता है कि डाटा ऑफ द सेम टाइप सच दैट, पहला क्या है, द एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर रेफरेंस रिस्पेक्टिवली बाय एन इंडेक्स सेट कंसिस्टिंग ऑफ एन कंसेक्यूटिव नंबर. सेकेंड, द एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर स्टोर्ड रिस्पेक्टिवली इन सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन. यानी कोई लीनियर एरे है तो लीनियर एरे एक तरह से एक लिस्ट है फाइनाइट नंबर ऑफ होमोजीनियस डाटा का, सेम टाइप ऑफ डाटा की लिस्ट है, जिसमें क्या होता है कि जो एलिमेंट्स हैं एरे के उनको हम रिफर करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए इंडेक्स सेट कंसिस्टिंग ऑफ एन कंसेक्यूटिव नंबर एंड द एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर स्टोर्ड रिस्पेक्टिवली इन सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन. तो अब अगर इसमें हम मान लें कि हमारे पास The number n of elements is called the length or size of the array. अब मान लीजिए हमारे पास कोई एरे है उसमें n एलिमेंट्स हैं, तो ये n क्या हो जाएगा, ये साइज ऑफ द एरे हो जाएगा या लेंथ ऑफ द एरे हो जाएगा. ठीक है. अब इसमें क्या होता है कि until unless it is not explicitly stated. अगर मान लीजिए हमने एरे का नाम रखा ए, तो इस ए के अंदर n एलिमेंट है, तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो a1, a2, a3 ऐसे करते करते ये आपके n नंबर तक जाएगा, इतने एलिमेंट्स होंगे इसमें, ठीक है, until unless कि ये मेंशन ना हो. In general, the length or the number of data elements of the array can be obtained from the index set by the formula. तो अगर array की आपको length निकालनी है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि length is equal to हो जाएगा आपका upper bound minus lower bound plus 1. इस फॉर्मूले से भी आप array का साइज निकाल सकते हैं. जो अपर लिमिट है वो उसमें से लोअर लिमिट घटा दीजिए, अपर बाउंड में से लोअर बाउंड घटा देंगे और प्लस 1 कर देंगे, ठीक है. अब इसी में अगर मान लीजिए हमने कहा से फॉर एग्जांपल अगर हम मान लें कि हमारा लोअर बाउंड 1 है, ठीक है, तो अगर लोअर बाउंड 1 होगा तो लेंथ कितनी आ जाएगी, आप इस फॉर्मूला रखेंगे तो लेंथ जो अपर बाउंड है वही लेंथ आ जाएगी, ठीक है. The elements of an array A may be denoted by the subscript notation or by the parenthesis notation. तो कोई भी अगर आपके पास array A है तो इसके जो एलिमेंट्स मैंने आपको बताए या तो सब्सक्रिप्ट से दिखा दीजिए A1, A2, A3 इस तरह से AN तक, या तो इस तरह आप शो करेंगे इसके एलिमेंट्स को, या दूसरा तरीका क्या है, आप इनको ब्रैकेट से शो कर दीजिए ऐसे A1, A2, A3 अप टू AN तक, तो ऐसे भी आप शो कर सकते हैं, ठीक है. इस तरह से हम एरे को, और तीसरा तरीका क्या है, ठीक है, ये पहला तरीका तो हो गया सब्सक्रिप्ट नोटेशन, दूसरा हो गया पैरेंथेसिस नोटेशन, और तीसरा जो ये हमने आपको यहाँ पे बनाया था ब्रैकेट नोटेशन. तीसरा तरीका यह है कि एरे के एलिमेंट्स को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इन तीनों में से कोई भी मेथड आप फॉलो कर सकते हैं एरे को रिप्रेजेंट करने के लिए या एरे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, तीनों ही करेक्ट है, ठीक. जनरली हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग या तो सब्सक्रिप्ट नोटेशन यूज करते हैं या तो ब्रैकेट नोटेशन यूज करते हैं, ठीक है. अच्छा, इसमें क्या होता है कि रिगार्डलेस ऑफ द नोटेशन, मतलब कौन सा नोटेशन यूज कर रहे हैं इससे मतलब नहीं है. द नंबर के in AK is called subscript or index and AK is called subscripted variable, ठीक है. मतलब जैसे हमने ऐसे हमने ये लिखा AK, तो ये K क्या कहलाता है, ये कहलाता है इंडेक्स, इंडेक्स. या हमने कहा मान लीजिए हमने ऐसे लिखा AK, तो ये K क्या कहलाएगा, ये कहलाता है इंडेक्स. कौन सा आप नोटेशन यूज कर रहे हैं इससे मतलब नहीं है, ठीक. तो आई होप कि लीनियर एरे को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये आपको क्लियर हो गया होगा. इसी चीज़ को हम आपको एक एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल लेके और बता देते हैं. मान लीजिए से हमने क्वेश्चन लिया कि लेट डाटा बी ए 6 एलिमेंट लीनियर एरे ऑफ इंटीजर सच दैट, ठीक है. अब मान लीजिए हमारे पास कोई डाटा नाम से एरे है 6 एलिमेंट की, और उसमें जो डाटा 1 क्या है हमारे पास 247, ऐसे ही डाटा 2 क्या है, ये है मान लीजिए कोई भी वैल्यू लीजिए 56. फिर हमने कहा डाटा 3 ये है 429. फिर हमने कहा डाटा 4 ये है हमारे पास 135. फिर डाटा 5 ये है 87, और फिर हमने कहा डाटा 6 ये है 156, ठीक है. तो ये मान लीजिए हमारे पास कोई एरे है, तो इसको हम देखिए इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट इट लाइक जैसे हमने लिखा डाटा, ठीक, और उसके बाद जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं 247, 56, 429, 135, 87 और 156, इस तरह भी हम लिख सकते हैं. दूसरा तरीका क्या है कि अगर पिक्चोरियल फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। या आपने डाटा लिखा, ये हो गई एरे डेटा, फिर यहाँ आपने 1 2 3 4 5 6, ठीक, 1 2 3 4 5 6 ये आपने लिखा और जो वैल्यू करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो आप यहाँ लिख दिए 247, 56, 429, 135, 87 और 156। ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं वर्टिकल इसमें, या अगर आप हॉरिजॉन्टल उसमें करना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एरे को। ये आपने लिया, यहाँ पे आप 6 एलिमेंट्स दिखा दीजिए, 1 2 3 4 5 6, ऐसे हो गया। यहाँ आपने एरे का नाम लिखा डाटा, ठीक है, ये इसके इंडेक्स लिख दिए 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे वैल्यू आ गई 247, फिर 56, फिर 429, 135, 87 और 156। तो इस तरह से भी आप एरे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? मान लीजिए एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, से सपोज कीजिए ये एग्जाम्पल 1 हो गया, हमने कहा एग्जाम्पल 2, ठीक, इसमें क्या दिया हुआ है कि कोई आपकी ऑटोमोबाइल की कंपनी है, एन ऑटोमोबाइल कंपनी यूजेज एन एरे ऑटो टू रिकॉर्ड द नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल सोल्ड ईच ईयर फ्रॉम 1932 थ्रू 1984 रादर देन बिगनिंग द इंडेक्स सेट विद 1 इट इज मोर यूजफुल टू बिगन द इंडेक्स सेट विद 1932 सो दैट। तो यानी कि कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है, उसने क्या रखा है, ये रिकॉर्ड रखा है कि ऑटो के, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल सोल्ड, नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स सोल्ड इन द ईयर के ईयर में कितने ऑटोमोबाइल बेचे गए उसका ये डेटा रख रहा है। तो अब देखिए उसने कहा कि कहाँ से है, 1932 से और कहाँ तक, 1984 तक। तो अब इस एरे का जो लोअर बाउंड हो गया वो तो हो गया 1932 और अपर बाउंड जो हुआ वो अपर बाउंड हुआ 1984, 1984, ठीक। अब इसमें पहले हम इसकी लेंथ निकालते हैं, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 1932 नहीं 30 से लिया हुआ, अच्छा। तो मान लीजिए अगर 32 से भी हम लेते हैं इसको, तो पहले ये माइनस किए, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 3 गया 5, तो 52 आया प्लस 1, ये लेंथ आ गई इसकी 53, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑटो नाम की हमारी एरे है उसमें देयर विल बी 53 एलिमेंट्स, ठीक है। और इसको आप करेक्ट करेंगे तो देखिए 53 एलिमेंट्स ही आ गए और ये स्टार्टिंग फ्रॉम 1932 टू 1984, ठीक है। तो 1932 में से जब आप 1984 माइनस करेंगे तो इसमें देखिए एक कंफ्यूजन ये हो रहा है, ऐसे आप करेंगे 4 में से 2 गया 2 और 8 में से 3 गया 5, ये हुआ और प्लस 1 53 ये आ गया, ठीक है। अब क्या होगा कि ऑटो नाम के कैरेक्टर में और एरे में आपके 53 एलिमेंट्स होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1932 टू 1984। तो इस तरह से हम इसको एरे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपने कुछ रूल्स होते हैं एरे को डिफाइन करने के लिए। ईच सच डिक्लेरेशन मस्ट गिवन इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली, ठीक है। यानी कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने हिसाब से एरे के लिए ये 3 इन्फॉर्मेशन जरूर, चाहे इम्प्लिसिटली चाहे एक्सप्लिसिटली, डिक्लेयर करेगी। पहला क्या है, नेम ऑफ द एरे, name of the array, सेकेंड क्या है द डाटा टाइप ऑफ द एरे, यानी एरे में जो डाटा स्टोर है वो किस तरह का है, द डाटा टाइप ऑफ द एरे, और जो थर्ड है वो है आपका इंडेक्स सेट ऑफ एरे, इंडेक्स सेट ऑफ द एरे। तो चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हो आप, उसके जो भी रूल्स रेगुलेशन हो, लेकिन किसी भी एरे के बारे में ये तीन चीजें वो जरूर डिक्लेयर करेगी, नेम, डाटा टाइप और इंडेक्स सेट, ये तीन चीजें जरूर डिक्लेयर्ड होगी। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम आपको बता दें कि जैसे फोर्ट्रॉन में या PL1 लैंग्वेज में कैसे डिफाइन किया जाता है। तो जैसे पहला, या पहली एग्जांपल आप ले लीजिए, जो हमने पहला एग्जांपल डाटा वाला लिया था, तो उसको अगर आप फोर्ट्रॉन में रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए फोर्ट्रॉन लैंग्वेज में उसको आप इस तरह डिक्लेयर करेंगे। आप लिखेंगे यहाँ डाटा टाइप हो गया रियल, एरे का नाम हो गया डाटा, और इंडेक्स सेट जो है वो आप लिख देंगे इस तरह 6। ठीक, इसी एरे को अगर आप PL1 में यूज करें, डिक्लेयर करेंगे एरे को, तो आप इस तरह लिखेंगे डिक्लेयर, यहाँ आप लिख देंगे डाटा, और यहाँ आपने लिखा 6, यहाँ आपने लिख दिया फ्लोट। यानी अलग अलग लैंग्वेज में आप अलग अलग तरह से एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। बस ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि ये जो तीन बेसिक इन्फॉर्मेशन है, नेम ऑफ द एरे, डाटा टाइप ऑफ द एरे और इंडेक्स सेट ऑफ द एरे, ये तीनों चीज़ों की इन्फॉर्मेशन जरूर दी गई हो। ऐसी मान लीजिए इसी को हम एक और उसमें लिख देते हैं, उसका लेक्चर ऑलरेडी लेंदी हो रहा है तो इसको बंद करेंगे। ये हो गया आपका पास्कल में, इसी को आप लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपने लिखा वेरिएबल वेर, फिर आपने लिखा डाटा, कॉलन लगाया आपने, फिर यहाँ पे आपने लिखा एरे और 6 एलिमेंट है तो आपने लिख दिया 1, 6। ठीक है, ऑफ रियल, पास्कल में आप इस तरह लिखेंगे। तो बस ये ध्यान रखिएगा, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप एरे को डिक्लेयर कर रहे हो, ये तीन बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए। तो आई होप कि आपको ये लीनियर एरे को कैसे डिफाइन करना ये क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।